Hello students, good morning to all. Today's lecture is Moral Origins of Class 4th. Chapter number 6, जिसका नेम है Loyalty. Loyalty का मतलब होता है निष्ठा या वफादारी. So, इस जो स्टोरी है इसका नेम है The Fairy and the Shadow. Let's get started. Along long time ago, before people and their cities filled the earth, even before many things even had a name, there was a mysterious place that was guarded by the fairy of the lake. तो बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पहले समय की बात है, जब जो अर्थ था उसमें लोग और उनकी सिटीज़ भी नहीं हुई थी और कुछ चीज़ों के तो नाम भी नहीं थे. उसके पहले एक मिस्टीरियस सी मींस रहस्यमय सी जगह थी, जो कि एक फेरी थी मींस एक परी थी लेक की, वो गार्ड करती थी उस जगह को. फेयर एंड जेनरस ईच ऑफ हर फॉलोअर्स वर एवर विलिंग टू सर्व हर. और जो वो फेरी थी वो बहुत फेयर थी. फेयर का मतलब कि वो किसी में भेदभाव नहीं करती थी और बहुत ही जेनरस थी मीन्स दिल की बहुत अच्छी थी. और उसके जो भी फॉलोअर्स थे, जो भी उसके साथ वाले थे, जो उसको फॉलो करते थे, वो उसको सर्व करने के लिए मीन्स उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. और एक टाइम ऐसा आया जब कुछ ईविल बींग्स मीन्स कुछ ख़राब शक्तियाँ, जो ख़राब चीज़ें थी, जो ख़राब वाले लोग थे, उन्होंने जो लेक था, जो वहाँ का तालाब था और उसके आसपास के जो फॉरेस्ट थे उसको उन्होंने कब्जा करके रख लिया वहाँ पे. तो जो फेरी के फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया एक डेंजरस जर्नी पे, जो कि रिवर्स, स्वैम्प्स, डेजर्ट्स, इन सबको पार होके जाना था एक क्रिस्टल स्टोन की सर्च में. देयर ओनली होप ऑफ बींग सेव्ड, मतलब वो अगर उन ईविल, उन बुरी, जो बुरे लोग थे, उनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो क्रिस्टल स्टोन मिल जाए, जिसकी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा कठिन थी, रिवर्स, स्वैम्प्स, डेजर्ट, इन सबको पार होके जाना था. फेरी ने उनको वॉर्न भी किया कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है इसमें और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी हमें आगे. और इतना तो वो भी नहीं बता सकती थी कि जो पूरी जर्नी है वो किन किन मुश्किलों का सामना करके उनके पार होगी. लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं डरे. उन सब ने प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ देंगे उसका जब भी उसको ज़रूरत होगी. और उसी दिन जो फेरी थी और उसके 50 मोस्ट लॉयल मींस जो 50 उसके सबसे ज़्यादा वफादार और ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे, वो अपनी जर्नी पे निकल पड़े. और फिर जैसे ही वो निकले तो जो जर्नी थी, जो उनकी यात्रा थी, वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा कठिन होती गई. और फेरी ने जैसा सोचा था और जिसके बारे में उन लोगों को वार्न किया था, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जर्नी थी. और वो फिर एक जो टेरिफाइंग बीस्ट थे, मतलब जो बहुत ख़तरनाक राक्षस वगैरह थे, उनसे भी उनको मिलना पड़ा. उनको दिन और रात पहरा देना पड़ता था. वो डेजर्ट में घूम गए थे, उन्हें भूखे रहना पड़ता था, प्यासे रहना पड़ता था कई दिनों तक. और ऐसी ये जो फील किया उन लोग ने ये सारी जर्नीज पे चीज़ें, तो उसके जो कुछ फॉलोअर्स थे, मतलब मैनी फॉलोअर्स, उन्होंने अपना जो होप था और जो भी उनने जो प्रॉमिस किया था वो सब छोड़ के उन्होंने वो ख़त्म कर दिया कि अब हम इसके आगे नहीं जर्नी कर सकते कंटिन्यू. तो फिर फाइनली उसका जो एक फॉलोअर था, फेरी के साथ सिर्फ एक फॉलोअर बचा जिसका नेम था शैडो. जो शैडो था वो ना तो सबसे ज़्यादा बहादुर था, ना ही वो सबसे बेस्ट फाइटर था, और ना ही वो इंटेलिजेंट था, और ना ही मोस्ट फनी था. बस उसने क्या किया, उसने फेरी के साथ लॉयल रहना पसंद किया.
बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल एंड तक। जब भी फेरी आस्ड शेडो, फेरी ने जब भी शेडो से पूछा कि तुम उसके साथ बाकी सबके साथ क्यों नहीं चले गए और उसको छोड़कर क्यों तुमने अपनी जर्नी क्विट नहीं की, तो शेडो यही कहता था कि मैंने आपको बोला था कि मैं हमेशा आपको फॉलो करूँगा, सारी कठिनाइयाँ सब कुछ मैं सह लूँगा और मैं वही कर रहा हूँ। मैं अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि जर्नी हार्ड है, सिर्फ इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। तो उसका जो लॉयल फॉलोअर था शेडो, उसकी वजह से जो फेरी थी उसने फाइनली मैनेज कर लिया क्रिस्टल स्टोन फाइंड करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो मॉन्स्टर था, जो राक्षस था, जो उस स्टोन को गार्ड कर रहा था, उसने वो ये स्टोन आसानी से देने वाला नहीं था। तो उस पर जो शेडो था उसने अपना जो वफादारी का फाइनल एक्ट दिखाते हुए उसने अपने आप को ऑफर किया कि मैं खुद तुमसे इस स्टोन के एक्सचेंज में अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ। तो मॉन्स्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और शेडो ने अपनी पूरी जो बाकी की उसके जो दिन थे वो मॉन्स्टर की सेवा में बिताए। तो जो क्रिस्टल स्टोन की पावरफुल मैजिक थी उसकी मदद से जो फेरी थी वो वापस अपने तालाब में लौट गई और जो वहाँ पे बुराइयाँ थी, जो बुरे लोग थे, वो गायब हो गए। लेकिन हर रात वो उसके जो लॉयल एड शेडो था, मीन्स जो उसका वफादार था शेडो, उसकी एब्सेंस में वो बहुत रोती थी क्योंकि शेडो के सेल्फ सेक्रीफाइस, मीन्स जो शेडो ने अपने आप को त्याग दिया था स्टोन के लिए, उसकी वजह से जो फेरी थी उसके मन में बहुत स्ट्रोंगर वाला लव जनरेट हो गया था बाकी अदर फीलिंग्स से, जो बहुत ज़्यादा बढ़ के था। और शेडो की मेमोरी में और सबको लॉयल्टी की वैल्यू बताने के लिए, मीन्स वफादारी की, कमिटमेंट की, उसकी जो वैल्यू है वो समझाने के लिए फेरी ने जो सारे बीइंग्स हैं, मीन्स जो हम हैं, पर्सन हैं, उनको, एवरी बीइंग को अर्थ पे अपनी खुद की शेडो के साथ भेजा ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन में हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन जब रात होती है तो जो सारी शेडोज़ हैं वो चली जाती हैं हमारे पास से, क्योंकि वो जो शेडोज़ हैं वो लेक के पास जाती है, मीन्स तालाब के पास जाती हैं उस सैड फेरी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और उसको, जो शेडो को उसने लॉस किया है उसको मनाने के लिए। तो ये हमारी स्टोरी का एंड था कि कैसे शेडो ने फेरी के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाई। और यहाँ पे ये जो थॉट गिवन है, यू डोंट अर्न लॉयल्टी इन अ डे, यू अर्न लॉयल्टी डे बाई डे, तो इसका मतलब है कि आप वफादारी एक दिन में नहीं कमा सकते, आप इसे दिन पे दिन कमा सकते हैं। मीन्स जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं आप वफादारी अर्न कर पाते हैं, कमा पाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी का एंड है और बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।